सिटी देखना चाहोगे। इट्स क्रेजी मैन, इट्स सुपर डुपर क्रेजी। वाओ लोबी, एक सेकंड रुको। हाँ ओके, ये ओ भाई बहुत तेज है। सो भाई ये बन गई है अपनी खतरनाक सी हॉट स्मूदी। खतरनाक मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भाई अभी मेरे स्टार्ट करा है ये सब लेना, अभी बनाना वगैरह खा के हटा, अब ये वेरी मच खतरनाक। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट इस चैनल का सचित सहोत्रा, और बहुत बहुत स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। सो भाई आज हम फिर से जा रहे हैं कहीं पे शूट के लिए जा रहा हूँ ऑब्वियसली। सो राघव भाई हैं अपने गैराज रिव्यूज जिनका यूट्यूब चैनल है, सो यार उनके पास भी i20 है बट जो नए वाली है ना वो। सो भाई बहुत टाइम से, ऑलमोस्ट एक साल हो गया है हमें मिले हुए, मतलब हम जब वॉक्सवैगन वर्टस लॉन्च हुई थी हम उसके शूट पे मिले थे। सो हमने ऐसे बात करी थी, मैं भी अपनी कार लेके गया था, वो भाई भी अपनी कार लेके आए थे। सो मैंने ऐसे पूछा कि यार इसका कंटेंट बनाते हैं, कितना क्रेजी कंटेंट होएगा दोनों की, ड्रैग रेस का, ओनरशिप रिव्यूज हम कर सकते हैं, बहुत कुछ ऐसा सोचा था हमने। सो भाई आज फाइनली एक साल बाद, आज है 14th of June, सो आज हो रहा है फाइनली भाई ये कि राघव भाई भी ये रहा। हम यार मतलब इतनी बार हमने प्लान करा है, कितनी बार तो ऐसा भी हो गया कि भाई प्लान कर लिया सब हो गया बट मिसकम्युनिकेशन हो गया, भाई अलग लोकेशन पे पहुंचे हुए, मैं अलग लोकेशन पे पहुंचा हूँ, एंड हम दोनों को उसके बाद अपने अपने काम पे आगे निकलना था। सो भाई बिल्कुल ही शूट एंड मोमेंट पे हमारे दो दो तीन तीन बार कैंसिल हुए हैं, बट आज टचवुड अभी तक सब कुछ सही चल रहा है। सो भाई इतना कोल्ड स्टार्ट हो रही है कार, मैंने सोचा थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन दे दी जाए इस व्लॉग के बारे में। बाकी भाई अभी आपने जो पिछली क्लिप देखी, सो भाई हाँ मैं थोड़ा सा हेल्दी खाना पीना वगैरह कर रहा हूँ अपना, क्योंकि वेकेशन चल रही है, बेस्ट यही रहता है कि भाई अपनी बॉडी को टाइम दो, हेल्थ को टाइम दो। सो उसके बारे में सारा कुछ करेंगे। बाकी जो है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं सो चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करने के बहुत सारे फायदे हैं भाई देखो, क्योंकि सबसे इसमें ना आपको बहुत सारी वैरायटी मिल जाएगी इस चैनल में। जैसे सबसे पहले तो आ जाता है इसके जो भी नई कार्स एंड बाइक्स आएंगी उसके कंप्लीट रिव्यूज आ गए आपके पास। अगर आप वो नहीं देखना चाहते फिर आप जो अभी देख रहे हैं डेली व्लॉग्स वो देख सकते हो। अगर आपको ये भी नहीं पसंद आया फिर मैं ड्रैग रेस भी लाता रहता हूँ इस चैनल पे, जिसका भी अवेलेबल होता है, जो भी कंटेंट अवेलेबल होता है मेरे दोस्त यारों के पास, सो उधर से मैं ले आता हूँ, सो वो आप देख सकते हो। अगर आप इन तीनों चीजों से बोर हो गए, सो भाई जो मैं आज करने वाला हूँ ओनरशिप रिव्यू i20 का, सो वो तो यार आपको पसंद आएगा ही, बिकॉज ओनरशिप रिव्यू सब देखना पसंद करते हैं। नई गाड़ी किसी को भी अगर लेनी है सो बंदा एक आधी बार देख लेता है कि फीचर्स वगैरह क्या है, उसके बाद लोगों को आता है कि ओनर्स का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। सो भाई वो ही हम आज पूरा कवर करेंगे, क्रेजी कंटेंट होने वाला है। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, चैनल पर नए हैं सो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को करिए लाइक, एंड आइए करते हैं फटाफट अपना दिन शुरू। भाई ये देखो भाई, दुख दर्द पीड़ा कष्ट इस बेचारे टेम्पो के ऊपर कि भाई पूरा एक साइड में लीन हो रखा है, भाई गॉड ये सिलेंडर ज्यादा हो गया इसके ऊपर। सो भाई देखो ये आ गई चंडीगढ़ की एंट्री, इससे मतलब अब यहाँ पे स्पीड चलेगी ये। इससे पहले मैं ना 100-120 में भगाता हुआ ला रहा था क्योंकि मोहाली था, ऐसा नहीं है कि मैं अनसेफ हो गया चला रहा था या कुछ, मगर भाई वो होता है ना कि वो बहुत ही खुला रोड है एंड वहाँ पे भाई मतलब ही नहीं कि बंदा कोई गाड़ी स्लो चला ले। सो भाई अब हम पहुंच गए हैं लोकेशन पे, कावासाकी वाली जो शोरूम की लोकेशन है। सो भाई अगर आपको दिख रहा हो वहाँ पे शीशे में, आप देख सकते हैं पीछे कावासाकी का शोरूम, एंड ये है वो पार्किंग जहाँ पे राघव भाई ने मुझे बुलाया था कि यार यहाँ पे करेंगे शूट, ये खाली होती है, खाली तो थोड़ी सी कम दिख रही है मुझे बट एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखी। सो भाई देखो न्यू ह्युंडई की सारी कार्स वगैरह जो है अनलोड हो रही है ट्रक्स में से, सो अच्छी चीज़ देखी। बाकी देखते हैं राघव भाई की वेट कर रहे हैं, वो आएंगे फिर करते हैं बढ़िया बढ़िया सा कंटेंट शूट। एंड राघव भाई ने बोला था कि यार क्या आप मतलब 10:30 से पहले आ सकते हो, सो राघव भाई मैं 10:28 पे पहुंच गया हूँ यहाँ पे। बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस होता है जब मैं टाइम पे पहुंच जाऊँ, सो भाई आज मैं टाइम पे पहुंच चुका हूँ 10:30 बजे, सो 10 से भी पहले, मतलब 10:30 से भी पहले। सो अब राघव भाई की वेट हो रही है क्योंकि उनका ऑफिस यहीं पे है आसपास कहीं, सो वो कह रहा था बस 5 मिनट दूर है यहाँ से, सो वो आएंगे फिर हम शूट करेंगे। सो भाई ये चल रही है हमारे सामने अली, आप देख सकते हैं राघव भाई आ चुके हैं। राघव भाई कह रहे इस पार्किंग में नहीं कहीं और चलते हैं, सो भाई अब देखते हैं राघव भाई हमें कहाँ लेके जा रहे हैं शूट के लिए, कौन सी ऐसी लोकेशन है खास जहाँ पे बढ़िया से जो है शूट निपट जाएगा हमारा, क्योंकि यार हमें चाहिए थोड़ी सी शांति, कि शांति हो आराम से शूट हो जाए एंड धूप भी ज़्यादा ना हो, बिकॉज यार गर्मी भाई छप्पर फाड़ के गर्मी पड़ रही है। ओके भाई ये रिक्शा वाले ना बहुत डराते हैं भाई,
इनसे खौफ ही लगता है भाई, इनसे बच के चलो, इतने जल्दी आप निकल सको आगे इनसे। मर जा मेरे आगे आ जा। लोबीन एक सेकंड रुको। हाँ ओके ये ओ भाई बहुत तेज है, सच में बहुत तेज है। मतलब मैंने स्टोरी देखी थी तो मैं देख रहा था, मैं कहा यार पक्का ही प्रोजेक्टर सेटअप वगैरह है, मैं पूछूंगा मिलके, काफी सही है। आई रियली लाइक, मतलब फिलिप्स अल्टेनॉन रैली है ये, ठीक है। सो दे सेड दैट दिस इज वन ऑफ आवर बेस्ट प्रोडक्ट्स इन टर्म्स ऑफ सिटी लाइटिंग एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग यू गॉट इट फॉर फ्री, और आपको क्या चाहिए। एग्जैक्टली। तो जैसे हमने इसका पूरा ओनरशिप रिव्यू जो अभी रिकॉर्ड कर लिया है, अब हमारे वाले की बारी है, मेरा होएगा ये पहला ओनरशिप एक्सपीरियंस। सो देखते हैं भाई क्या कुछ कैसे रहता है, देखते हैं मैं कैसा बोल पाता हूँ कैसा नहीं। सो कार को जो है थोड़ा सा आगे कर लेते हैं, बिकॉज आगे छाँव है, इधर थोड़ी सी धूप आ गई है, एंड मेरे जो है स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है। सो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमें कार आगे करनी पड़ेगी। 1.5 लाख रुपए तक का। ठीक है इतनी? ओके। 2017 वेरिएंट की कार है, ऑलमोस्ट 6 साल पूरे होने वाले हैं इस गाड़ी को। तो भाई अब स्टार्ट हो गया है थोड़ा बहुत काम, लिटिल बिट नर्वस क्योंकि मेरा पहला ओनरशिप एक्सपीरियंस है, बाकी देखते हैं अब कैसे रहता है। सो ही इज़ अ बिजी लैड, सो हमारे तो दूसरा कट हो चुका है इसमें, सो कोई नहीं, सो अब करें वापस कंटिन्यू। ओके, सो अब राघव सर थोड़े से बी रोल्स ले रहे हैं अपने चैनल के लिए। सो भाई आई डोंट नो कैसा हुआ, बट जैसी वो जो मैंने अभी करा है ना ओनरशिप रिव्यू अपनी i20 का, तो वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा जब भी राघव भाई के चैनल पे आएगी वीडियो। बाकी अब जो है ना मैंने ये वाली i20 कभी नहीं चलाई थी, सो ये चला के देखते हैं अब क्या कुछ कैसे रहता है। सो अब एली आ गई है हमारे हाथों में। सर ये वाली जो i20 है ये लास्ट ईयर का मॉडल है। सो ओवरऑल अगर आप देखेंगे ना बेसिक अमेनिटीज सब इसमें दे दी थी मैग्ना वाले वेरियंट के अंदर ही, बाकी चला के देखते हैं इसको क्या कुछ कैसे रहता है। सो ये गेयर नॉब भाई ये बहुत ही अच्छा है। सो राघव यार ये गेयर नॉब ना मैं ले जाऊंगा यार इसको उठा के, काफ़ी मतलब समझ के हिसाब से बहुत अच्छी चीज़ है। ओके सो जैसे हम ब्लूटूथ की बात कर रहे थे, सो ये ऐसे आता रहता है, इसमें कितने टाइम लगे इसको? 25 सेकंड्स। ओके लगते हैं, बट एक चीज अच्छा मैंने जो अपनी गाड़ी में करी है ना, और जिसमें मैंने आपको बताया ना डिस्प्ले का, मेरे को जो एक फायदा लगता है वो है सिर्फ मैप्स का, उसके अलावा मुझे डिस्प्ले का कोई फायदा नहीं लगता। इवन ये सेम वही यूनिट लग रही है जो मेरे वाली उसमें है ना, सेम वही है, बिल्कुल सेम है। तो इसीलिए उसको रेमेडी करने के लिए मैंने एक चीज रखी हुई है, ये मेरा फोन, आई हैव दिस मैग्नेटिक थिंग, इसके पीछे मैंने ये लगाया हुआ है, बस मैप्स इसके ऊपर चलते रहते हैं, और मेरा डिस्प्ले का कोई मेरे को वो नहीं लगता है। डिस्प्ले पे मैंने आज तक कभी कुछ और यूज नहीं किया है, मेरे को डिस्प्ले बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टिंग लगती है। ओके तो मैप्स का काम मेरा फोन कर देता है, बाकी ये डिस्प्ले म्यूजिक के लिए बहुत है। ओके बट यार मुझे ना ये चीज नहीं अच्छी लगती, जैसे मैं अपने ओनरशिप रिव्यू में बता रहा था ना, जैसे ब्लैंक सी चीज आती है ना ये थोड़ा सा, आई थिंक स्पोर्ट्स मॉडल में वो जब वो अपना, हाँ आई थिंक स्पोर्ट्स है, मैं एस्टा के अंदर आता है, स्पोर्ट्स में आ जाता है। स्पोर्ट्स में क्रूज कंट्रोल है? क्रूज कंट्रोल नहीं, क्रूज नहीं है, हाँ यहाँ पे क्रूज क्या आता है, एस्टा के अंदर आपका क्रूज कंट्रोल का आ जाता है, तो वो उसमें भर जाता है। बट वैसे इसके यार वैसे क्रूज कंट्रोल पता है लोग लगवा लेते हैं यार बाहर से, लगवा लेते हैं, एक ही वायर का खेल है, बट फायदा नहीं है, मेरे को तो कोई लॉजिक नहीं लगता। हाँ गाड़ी चलानी कुछ चलाओ यार क्या करना है। ओके सो यार अब हम इसको चला के देखते हैं। सो मैंने भाई की अभी i20 चलाई, सो भाई बहुत ड्रास्टिक चेंज सा लगा मुझे चला के, भाई मेरे वाली i20 चला के देख रहे हैं। yes. सो कैसे लगते हैं जब एक i20 ओनर नए वाली i20 ओनर पुराने वाले i20 चलाते हैं, सो वो देखते हैं। बट यस यू आर राइट, पावर वाली बात तो है ना, पावर वाली नई i20 में तो फिक्स की है, लोअर एंड लोअर एफ पे, लोअर एंड पे है काफी डिफरेंस। इवन तुम इसके जब अभी जब खाली वाला रोड आएगा ना पीछे वाला, उस पर खींच के देखना जो इसकी आवाज आती है, आंसर की बहुत अच्छी भाई, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है पर्सनली, जब तुम डिफरेंट है ना बहुत बहुत डिफरेंट। ओके पूरा हाई रेव करो इसको,
कोई नहीं, आवाज देखी हो काफी बट हाँ मतलब पावर वाली तो बात आपने बिल्कुल सही बोली, नहीं है इस गाड़ी में तो पावर नहीं है, मतलब फील नहीं हो रही है, ठीक है, मतलब आई एम एट थर्ड गियर ड्राइविंग एट 19 नाउ, पावर ये बड़े आराम से 120 तक जाती है थर्ड गियर में, मतलब वो नहीं है कि इसमें पावर नहीं है, बस फील नहीं हो रही, वो है वो, मतलब मेरे को भी फील होता है जब हमने ली भी थी ना कार, काफी ऐसे लगता है दबी दबी सी चल रही है, जैसे पापा की ड्राइवर ने भी चला के देखी थी, वो कहते क्या है भाई क्यों नहीं चल रही है, कहते तुम डीजल क्यों नहीं लेते जो तुम्हारी इतनी रनिंग है, बट वो फर्क यार पेट्रोल या पेट्रोल इन दी एंड तो मतलब बुलेट प्रूफ कार है पेट्रोल का, जनरली दे यू विल फाइंड नो इश्यूज इन पेट्रोल, दे आर सो रिफाइंड, मजा आता है, ट्यूनिंग पोटेंशियल होता है इनमें, सब कुछ है, इवन क्योंकि यार डीजल में क्या होता है ना, वो जब तुम 2500 आरपीएम क्रॉस नहीं करोगे तुम्हें वो पुश ही नहीं आएगा भाई, तुम्हारे फादर की डिजायर जो है डीजल है पेट्रोल, पेट्रोल करो पूरा फैमिली इज पेट्रोल सेम, अगर तुम डीजल वाला तुमने चलाई है, वो भी खींचने पर भी, मतलब मैंने वो गाड़ी खींच के चलाई थी, मतलब मेरे को 1500 लगे एवरेज खींच के चलाने पे आई है उस गाड़ी में, वो यार मैं भी यही सोचता हूँ कि हमने ना ये डीजल ले लेते ना, कितना फर्क होता है यार, सेम क्रेटा वाला इंजन मिलता है हमें इसमें भी, और वही पावर तो ऊपर से 6 गियर्स मैनुअल ट्रांसमिशन, सो मेरे जैसे एक फ्रेंड के पास है, सो भाई उसके चलाने में जो मजा आता है बहुत, क्योंकि यार ये ना कार ऐसी लगती है i20 जैसे स्पेशली ना बनाई हुई है इस सब चीजों के लिए, हैंडलिंग वाइज i20 यही वो थोड़ी स्पोर्टी फील वाली टीनेजर कार टाइप बनाई गई है, मतलब यंगस्टर्स वाली गाड़ी है फील है, कोई दिक्कत नहीं, बस इसमें ना मुझे यहाँ पे थोड़ी एम्बिएंट लाइटिंग वगैरह लगवानी है, वो देखते हैं, वो काफी अच्छी लगेगी यहाँ पे क्योंकि इसमें यहाँ से जाएगी, हाँ यहाँ से पूरी अच्छी जगह दी हुई है इसमें, सो वो देखते हैं भाई कब होता है, अच्छी लगेगी। सो अब हम जो हैं राघव सर के जा रहे हैं ऑफिस, सो यार अपनी i20 अच्छी लगती है यार चलते हुए ऐसे, तो वेरी यूनिक, सो जैसे यार हम दोनों ने एक दूसरे की i20 चलाई भाई, जमीन आसमान का फर्क है, ड्रैग रेस वाला बिल्कुल आएगा व्लॉग, बट आप ओवरऑल अगर देखोगे हैंडलिंग की बात करें, ब्रेकिंग की बात करें, एंड वैसे एंड इसका जो हॉर्न है ना भाई गॉड यार ये भाई क्रेजी, बहुत ही बढ़िया हॉर्न है, सो बाकी अच्छी लग रही है मेरे को, मेरी i20 भी अच्छी लग रही है चलते हुए, नाइस, अब उनके ऑफिस चलते हैं, वी विल हैव अ कप ऑफ कॉफी एंड देन वी विल सी कि आगे क्या करना है। सो हम आगे सर के ऑफिस में, पूरे जोर शोर से सर का काम चल रहा है, सो भाई यहाँ पे काफ़ी ऐसी बातें चल रही है करियर के बारे में, बहुत सी चीज़ों के बारे में, सो देखते हैं और भी अच्छे अच्छे प्लान्स अगर हम कुछ कर पाएँ यूट्यूबिंग से रिलेटेड, कुछ आगे शूट्स अच्छे कर पाएँ, सो वो देखते हैं। एंड हाँ मैं राघव को एक तो इसलिए भी थैंक यू कहना चाहूँगा, जो रॉनिन वाला तुमने वीडियो देखी है ना, सो ही वॉज द पर्सन जिसकी वजह से पॉसिबल हुआ था, ही रिकमेंडेड माई नेम टू द TVS ग्रुप एंड देन वहां से मुझे कॉल आई कि राघव टोल्ड यू नहीं रही, थैंक्स अ लॉट यार, दिक्कत ही नहीं है, सो मुझे तब जो आया था ना वो मेरे फर्स्ट था जो मैंने अभी तक मीडिया व्हीकल आया था मेरे पास फॉर 1 week, और वो 1 week मैंने इतना एंजॉय करा ना उस मीडिया व्हीकल को यार, वो जो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, वो जो फ्रीडम है ना कि तुम कुछ भी करो कभी भी करो, फ्रॉम इवन फ्रॉम कंटेंट पॉइंट ऑफ व्यू आज तक जितने भी रिव्यूज किए ना वो एक एक दो दो घंटे में जो बाइक के साथ करके वो इतना नहीं पता चलता, वो इसमें स्पेक्स ही बता सकते हो, यस, बट जब एक हफ्ता तुम खुद कोई चीज चलाते हो ना तो तुम्हें उसकी सारी अच्छी चीजें बुरी चीजें सब पता चलती है, और ऑनेस्ट रिव्यू प्रॉपर तब मिलता है। इवन मैंने वो वीडियो जो बनाई थी ना ओरिजिनली वो आधे घंटे की वीडियो बनी थी, वो मैंने कट करके डाली है 20-25 मिनट की, सो वो ना मतलब तुम पूरा इन डेप्थ कर सकते हो उस चीज को कि हाँ यार हमने चलाई है, एग्जैक्ट पॉइंट जो थे ना, जैसे हम कोई भी नई कार का रिव्यू करते हैं, राघव भी रिलेट करेगा इस चीज से, हम नई कार का रिव्यू करते हैं ना कितनी देर रहते हैं उसके साथ, 1 घंटा 2 घंटा इतना पता ही नहीं लग पाता कि क्या एक्सपीरियंस है, मीडिया कार जब तुम्हें मिलती है ना प्रॉपर, मतलब देयर आर टू टाइप ऑफ कंटेंट क्रिएटर्स, एक होते हैं जिनको गाड़ी मिली बस वो मजे के लिए उन्होंने मजे किया 4 दिन, 5वें दिन उन्होंने कंटेंट वही किया जो उन्होंने 2 घंटे में करना था, और एक होता है जो 5 दिन एक्चुअली उसको प्रॉपर टेस्ट करते हैं, वो टेस्ट करके जो गलतियां जो अच्छी चीजें पता चलती है ना वो बताते हैं, वो होते हैं मेन असली चीज बताने वाली चीज। एंड हम मतलब ऐसे हैं क्रिएटर्स जितना मुझे लगता है कि हमने यार जो भी रॉ कंटेंट रखते हैं कि जो होता है वो हम कह देते हैं कि हाँ मतलब ये चीज़ TVS के साथ
I had this very big conversation with them, जिसके अंदर बल्कि उन्होंने खुद ही बोला था, कहते कि इस वीडियो के अंदर, क्योंकि मैंने उनसे पूछा था कि obviously they're giving the bike for 5 days, तो मैंने बोला कि मैं कि जितनी भी वीडियोस हम बनाएंगे वो आपके साथ पहले शेयर करनी है, दिखानी है आपको, तो they said नहीं, आपका जो आपने बोलना है वो आप बनाओ, बल्कि इनफैक्ट मैंने तो अपनी 5 वीडियो पे, एक रोनिंग पे मैंने जो वीडियो बनाई थी वो थी 5 things I hate about the रोनिंग. अब आप सोचो कोई कंपनी जो तुम्हें बाइक दे रही है, बिल्कुल वो तो बिल्कुल नहीं जाएगी ना, तुम बुरी चीजें बताओ उस बाइक की. बट मैंने तो उनको साफ साफ बोला, मैं कहा यार देखो ये तुम 5 दिन के लिए दे रहे हो, मैंने 4 वीडियोस बनानी, ये वो 4 वीडियोस हैं और उसके अंदर एक वीडियो ये है कि 5 चीजें मेरे को क्या बेकार लगी बाइक के बारे में. तो दे सेड यस टू इट, एंड मेरा तो मेन मोटिव ये था, मैंने सच्चाई बतानी है. मैं कसौली लेके गया था उस बाइक को, कसौली में एकदम बारिश होगी, सब हो गया, मतलब जो एक्सपीरियंस मिला था ना उस दिन, तो सब कुछ काला चिट्ठा खुल गया था उसका, मतलब बाइक का बढ़िया था वो, मतलब एक्सपीरियंस वाज वेरी नाइस. मैं भी कसौली लेके गया था उसको, क्योंकि यार चंडीगढ़ वाले कसौली लेके गया था. तो भाई वो चला गया ना, एक तो उसकी सबसे अच्छी बात थी बहुत लाइट वेट थी वही बाइक, जो हैंडलिंग थी उसकी, फन भाई, मजेदार थी. तो ऐसी भाई और भी ऐसी बातें करेंगे, सो भी ऐसे ना व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, सो भी थोड़ी ऑफ द कैमरा बातें कर लेते हैं, सो वो आगे आपको पता लग जाएगा धीरे धीरे क्या क्या प्लानिंग हो रही है. सो भाई अब जो है काफी ज्यादा बातचीत हुई, काफी कुछ हुआ, ये जा रहे हैं अपने राघव भाई हमारे साथ साथ, सो अभी इनको ऑडी से कॉल आई थी, सो ऑडी के शोरूम जा रहे हैं, वहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा अपने ब्रांड के लिए थोड़ा सा करना था शूट वगैरह, सो मैं भी ज़रा देखता हूँ क्या कुछ मैं शूट कर पाऊँगा वहाँ पे, सो अभी जा रहे हैं भाई वहाँ पे. तो भाई अभी हम आए थे ऑडी के शोरूम, थोड़े बहुत हमने सिनेमेटिक्स लिए हैं, वो आपको इंस्टाग्राम पे दी जाएगी, यहाँ पे भी मैं शॉर्ट्स पा दूंगा, वॉइस ओवर पूरा करना पड़ेगा बिकॉज वो कार जो है वो नीचे खड़ी थी, ईट्रॉन का अभी हमने करा है छोटा सा शूट. सो अभी ये हमने यहाँ पे वैली पार्किंग थी, सो इनको कीज दे दी थी, तो इन्होंने कार यहाँ पे लगा दी हमारी, सो अब चलते हैं भाई यहाँ से अब पोर्शे के शोरूम. ब्यूटी देखना चाहोगे, इट्स क्रेजी मैन, इट्स सुपर डुपर क्रेजी, वाओ. सो ये पोर्शे का वो है, सर्विस सेंटर है, सो अभी ना हम ड्राइव करेंगे भाई पोर्शे को. So some of the people pronounce it as Porsche and some says Porsche. So I don't know which one is correct, but मेरे को ऐसे Porsche कहने में ज़्यादा मज़ा आता है, बट राघव से मुझे ना अब सुन सुन के मुझे आदत पड़ रही है, इट्स Porsche, Porsche, ओके.